मोंटेना का इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे घर ड्रॉप करने का वादा किया लेकिन वो गायब है। डिनर कैसा था? अच्छा, अगर आप मेरे पेरेंट्स को सारी रात लगते हुए देखना चाहते हैं। दरअसल मैंने सोचा वो मेरे पेरेंट्स हैं। हे, तुम कभी न्यूयॉर्क गई हुई हो? साउथ अमेरिका? नहीं, कभी नहीं गई। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। मुझे जाना होगा क्योंकि मंटोना यहां जरूर आएगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम। कभी मैं इतना एक्साइट नहीं हुआ जितना मैं तुम्हारे साथ हो रहा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम। कभी मैं इतना एक्साइट नहीं हुआ जितना मैं तुम्हारे साथ हो रहा। माफ करना, मैंने आवाज सुनी इसलिए देखने चली आई थी। अंदर आओ। शायद तुम मेरे डैडी को बता दोगी। हाँ, मैं तुम्हें यहां फंसाने नहीं आई हूं। तुम्हें इस पर एतराज नहीं? तुम्हारा शरीर है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं यहां लेक्चर सुनने नहीं आई हूं। तो जा सकती हो। ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं, पता है? तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, वो मेरा ख्याल रखते हैं। मोंटेना, किसी के साथ सोना आसान होता है पर उसका ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम्हें कैसे पता? सुनो, मैं उन मर्दों को जानती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती थी। सेक्स सिर्फ एक हिस्सा था, एक एहसास, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ये बताने के लिए शुक्रिया। You're welcome। जब भी आना चाहो आ सकती हूँ। ठीक है। उम्मीद है तुमने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया होगा। लिंडा, तुम अंधेरे में क्या कर रही हो उल्लू की तरह? तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेइज्जत होने के लिए। तुमने पी रखी है। मैं सोने जा रही हूँ।
रुको 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 रुको, मैं चाहती थी कि यह सबसे पहले तुम्हें पता चले कि मैं जा रही हूं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम यही चाहती थी ना मोंटेना? अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, खुश हो ना? गॉड, मैं सोचती थी कि तुम कभी नहीं जाओगी। तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। आज से तुम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकती हो। एल्की, एल्की बेलिंडा, दरवाजा खोलो। लिंडा, तुम ठीक हो? नहीं एल्की, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि ये नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अंदर तो आओ। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मैंने कितना कुछ किया इस घर के लिए। मैं माँ नहीं बन चुकी। जेफ ने साफ कहा था उसे और बच्चा नहीं चाहिए। मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लिंडा, तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरा यह सबसे बुरा वक्त है, इससे बुरा नहीं हो सकता। लिंडा, तुम काफी समय से घर में बंद पड़ी हो, आखिरी बार बाहर कब गई थी थोड़ा दिल बहलाने के लिए? मुझे याद नहीं। मैं सारा दिन पति के आने का इंतजार करती हूँ। तुम खूबसूरत, जहीन, एक अकलमंद औरत हो, तुम्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत है। मैं अब ये भी नहीं जानती कि वो आदमी कौन है। हम उसे ढूंढ लेंगे लिंडा, मुझे एक मौका दो, अपने आप को एक मौका दो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? वो चली गई जेफ। जानता हूं एल्की, मैं समझ सकता हूं। वो अपनी मां के घर गई है, ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। उसने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? उसे डर था तुम उसकी बात नहीं सुनोगे। मोंटेना कहाँ है? हेलो लॉरा, हे, तुम जाने के लिए तैयार हो? बिल्ली जा रहा है? नहीं, सिर्फ हम लड़कियां, सिर्फ हम दोनों। तुम सीरियस हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके, मैं तुम्हें वहीं पर मिलती हूँ। ओह डैडी, आइए। तुमने क्या किया? ये आप क्या करें? लिंडा चली गई। अच्छा हुआ। तुमने उसे क्या कहा? मैं उठा तो देखा मेरी पत्नी चली गई। मोंटेना, तुमने हमेशा उसके साथ बदसलूकी की है। वो मेरी पत्नी है और तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं अभी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। मैं उसे बुलाने वाला हूँ और तुम फोन करके उसे माफी मांगोगी, समझी? बिल्कुल नहीं, अब मुझे खुशी है कि वो चली गई। ठीक है, तो तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। ओ, आप ऐसा कर सकते हैं? आप मुझे मेरी माँ के पास बिल्कुल भेज सकते हैं? मैं जानती थी ऐसा होगा क्योंकि आप अपना समय लिंडा के साथ बिताना चाहते हैं। उफ़, मोंटेना, तुम गलत समझ रही हो। मैं सब समझती हूँ। प्लीज, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? उससे पूछो कि हम परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसे कुछ दिनों का समय दूंगा। प्लीज उसे कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। आ,
रिंटा कहती है कि तुम एक अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर हो। हाँ शायद हूँ। जोश, मैंने सोचा कि तुम्हें कह दूं कि लिंडा चली गई। मैं उसे दोष नहीं देता, आजकल यहाँ का माहौल ही अच्छा नहीं था। क्या वो वापस आएगी? मुझे नहीं पता। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। तुम सच में लॉ स्कूल जाती हो? तुमने उस दिन किचन में मेरी किताबें देखी थी ना? हाँ, मेरे पिता सोचते हैं मैं लॉ स्कूल में हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने फिल्म स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है आज तक। तुम्हें उन्हें बताना होगा। वो पागल हो जाएंगे। जोश, ये तुम्हारी पसंद है इसलिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़ेगा। मुझे फिल्म बनाना पसंद है, मैं किसी और बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने लोगों के बारे में सोचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम्हारे लिए पोज देना चाहती हूँ। मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ, तुम एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हो या कुछ और काम कर सकते हो। देखो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जोश, अगर तुम फिल्म बनाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों से मिलना होगा, ये बहुत जरूरी है। कम ऑन, मैं तुम्हारा सर नहीं काट लूंगी। क्या तुम बड़ी मस्ती के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बिग बे जाने को मुश्किल से एडवेंचर कहूंगी। जानती हो मुझे बस एक और चीज की जरूरत है। रुको, ये जॉश कहीं जा रहे हो? सांता फिल्म फेस्टिवल। सुनो, क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ तुमसे? जरूर। मैं एक छोटी सी फिल्म को पिक्चराइज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस फिल्म की मॉडल बनो। सच्ची? बात यह है कि मेरी पहली फिल्म बहुत ही बढ़िया बनी थी और मैं चाहूंगा कि तुम मेरी पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में मदद करो। क्या तुम करोगी? जरूर, बहुत मजा आएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक्स। बाय जॉश। बाय। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्लास में जाना जरूरी है? डैडी, ये फिल्म फेस्टिवल की क्लासेस हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लाख के स्टूडेंट के पास फिल्म फेस्टिवल जाने और फिल्म बनाने का समय है? डैडी, ये मेरी जिंदगी है, आपकी नहीं। मैं फिल्मों के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पैसे से नहीं। ठीक है तो मैं छोड़ रहा हूँ। ये तो अच्छा है, इससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके पैसों का गुलाम तो नहीं रहूंगा मैं जा रहा हूँ। Hey! कौन हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कोई नहीं हूँ। जानती हो, तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब कुछ अच्छा था, अब सब कुछ बिगड़ गया है। तुम सबके दिलों में अरमान भर रही हो। तुम गुस्से में हो, किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हो। ठीक है, मैं गुस्से में हूँ। मेरी बीवी चली गई, मेरा बेटा स्कूल छोड़ रहा है और मेरी बेटी शहर से बिगड़ी लड़की होने का खिताब हासिल कर रही है, और ये सब तुम्हारी वजह से। कोई अजनबी जिसे मैं अपने घर में रखना भी नहीं चाहता। मेरे आने से पहले भी यहाँ कुछ ठीक नहीं था। हाँ, और ये तब भी होता अगर मैं यहाँ होती या नहीं, बस समय की बात है। मैंने बस इतना किया कि उनकी बातें नहीं सुनी। इसका मतलब क्या है मैं समझा नहीं। मेरी बात सुनो, ये मेरा परिवार है, तुम्हारा नहीं। मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ, कल तक चली जाओ, और अपने नसीहे साथ ले जाना, समझी?
अच्छा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब अच्छा, ख्याल रखना जेफ, आशा करती हूँ सब ठीक होगा। मत जाओ। लेकिन तुमने ही कहा था। मैं अकेले रहना नहीं चाहता। मुझे याद नहीं हमारे यहां मेहमान कब आखिरी बार आए थे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी छोटी सी दुनिया में आए, लेकिन तुम आ गई। माफ करना, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। शायद तुमने गलत जगह चुनी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो कहीं चलते हैं, दिल बहलाएंगे, ऐसी जगह जहाँ तुम अब तक नहीं गए हो। ये अच्छा ख्याल है। मैंने बहुत दिनों से एक ही जगह देखी है, वो मेरा ऑफिस। ठीक है, तो आज के लिए ऑफिस ऑफिस भूल जाओ ना। भूल जाओ? तुम इसे क्या खो दोगे? कुछ नहीं। तब तो तय हुआ। यल्की, मैं कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। चलो घर चलते हैं। ठीक है। जेफ, ठीक है, हमारा समय अच्छा गुजरा, बस यही जरूरी है। तुम एक अच्छे आदमी हो। ये कितना आसान था कि यह सोचना सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुश रहना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, थोड़ा डर लग रहा है, मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब तुम सब जानते हो और ऐसा दोबारा नहीं होने दोगे। तुम हर बात को कितनी आसानी से समझती हो। सबसे मुश्किल बात होती है बदलना, और वो तुम पहले कर चुके हो, बस अब थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। तुम हो कौन? मैं हूँ एल्फी। अच्छा मिस एल्की, हम लोग एक क्रिसमस पार्टी रख रहे हैं, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर तुम आओगी तो। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। मुझे ये पसंद है, ये गौरव जिसके पास हमेशा अच्छे जवाब हो। ए, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। डैड, डैड, आज मंडे है, मैंने सोचा था आप काम पर चले गए। बैठो बैठो। तुम लॉ स्कूल में नहीं हो, है ना?
नहीं हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम जब भी स्कूल के बारे में बात करते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है, इसलिए नहीं बताना बेहतर समझा। क्या तुम्हें नहीं लगा कि मुझे जाने का हक है? हाँ नहीं, मैं फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मैं शॉट लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत महंगा है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो। मुझे लगता था कि तुम भी मेरे नक्शे कदम पर चलोगे। मैं अपनी नक्शे कदम खुद बनाना चाहता हूँ डैडी। मैं जानता हूँ तुम पर मुझे फक्र है। आपको फक्र है? हाँ। तुम फिल्म स्कूल जा सकते हो, एक फेमस डायरेक्टर बनना और अपने बड़े बाप को खुश करना। आप सीरियस हैं? हाँ। जोश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपना सपना पूरा करना। हाँ। शुक्रिया डैड। खुश रहो। लगता है मुझे खुद ही संभालना पड़ेगा। तुम कहां थी? मैंने तुम्हें कितने फोन किया? मैं बाहर थी। तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। ये तो अच्छी बात है।